नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। क्राइम ब्रांच और आशियाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में लग्जरी वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि यह उस गिरोह के सदस्य हैं जो चोरी की लग्जरी कारों पर स्क्रैप हुई गाड़ियों का नंबर और चेसिस नंबर इस्तेमाल कर लोगों को बेचने का काम करते थे। साथ ही इस गिरोह ने अब तक 100 से अधिक गाड़ियों को बेचने का काम किया है। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के पास से 10 लग्जरी कारें बरामद की हैं। तस्वीर में दिख रहे ये लोग कोई भोले भाले इंसान नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियों को चुरा कर उसको पुरानी गाड़ियों के नंबर पर दिखाकर लोगों को महंगे दामों पर बेच दिया करते हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरोह बड़े ही फिल्मी अंदाज में नेटवर्क चलाते हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये गिरोह कबाड़ हुई या फिर एक्सीडेंट हुई गाड़ियों को कम दामों पर खरीद लिया करते हैं। इसके बाद उसी मॉडल की गाड़ियों को चुरा कर उसके नंबर और उसके चेचिस का नंबर बदल कर इस्तेमाल कर उस गाड़ी का नया रूप दे देते हैं। इसके बाद ये गिरोह बड़ी आसानी से चोरी की हुई लग्जरी गाड़ियों को बेचने का काम कर देते थे और ये लग्जरी गाड़ी को चुराते हैं और उसको ऐसी गाड़ियों का नंबर दे के चेसिस नंबर ये नंबर उनका लगा के उनको प्लांट करके या एनग्रेव करके उसको वो बेच देते हैं जो टोटल लॉस में कंडम हो चुकी होती है। यानी कि टोटल लॉस आप समझते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट में या किसी अदरवाइज किसी भी कारण से जो इस प्रकार से नष्ट हो गई कि उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, तो वो गाड़ी सड़क से उतर गई। सड़क से उतर गई तो उसके पेपर्स तो हैं, उस गाड़ी का इंजन नंबर चेसिस नंबर भी है, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। नई गाड़ी भी जा सकती है टोटल लॉस में, क्योंकि नई गाड़ी भी एक्सीडेंट हो सकती है, इसी कारण से खराब हो गई। टोटल लॉस में उसको ये नीलामी में खरीद लेते हैं। फिर उसका जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है, उस गाड़ी का मेक, उस ईयर का मॉडल, उसका उस गाड़ी को चुराते हैं कहीं से, उसी कलर की गाड़ी को चुराते हैं, उसका जो टोटल लॉस में गाड़ी गई है उसका चेसिस नंबर इंजन नंबर उस पर प्लांट कर देते हैं और पेपर उसके होते ही हैं, वो दूसरे आदमी को बेच देते हैं। आपको बताते चले कि ये गिरोह गाड़ियों को बेचने के लिए सड़क किनारे लगे कार बाजार मालिकों का भी सहारा लिया करते हैं। ये गिरोह इन चोरी की लग्जरी कारों को कार बाजार में ही छिपाने का काम भी करते हैं। फिलहाल इस गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद इनकी निशानदेही पर चोरी की 10 लग्जरी कारों को बरामद किया है। वहीं इस गिरोह की माने तो इनके द्वारा अब तक 100 से अधिक कारें चोरी कर उसके कलपुर्जे ऑटो बाजार में बेचने की बात भी कबूल की गई है। लग्जरी गाड़ियों को चोरी कर स्क्रैप की गाड़ियों का नंबर व उसका अन्य पार्ट भी इस्तेमाल कर लोगों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, आप तस्वीर देखेंगे। ये जो तस्वीरों में गाड़ी के अंदर आपको बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ये वही गिरोह के लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियों को चोरी करते थे और फिर स्क्रैप की गाड़ियों का नंबर और चेचेस नंबर इस्तेमाल कर उन्हें ग्राहकों को बेच दिया करते थे। फिलहाल इस गिरोह के कई लोग पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि आज जो इस गिरोह के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो उनके पास से भी लगभग 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। यह गिरोह कार बाजार के जरिए गाड़ियों को बेचने का काम कर रहा था। इसके साथ ही जो अब तक जानकारी मिली है कि इस गिरोह के द्वारा 100 से अधिक गाड़ियों को बेचा जा चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह पर अपना काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से अब तक 20 से अधिक गाड़ियां बरामद की जा चुकी हैं, तो इसमें जो गिरोह और है उस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए और भी गाड़ियां जल्द बरामद की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले का सरगना अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।